आइए बात करते हैं हल्दी पोखर उर्दू स्कूल में शौचालय सह जलापूर्ति व्यवस्था के शिलान्यास की। जमशेदपुर से निकट पोटका के हल्दी पोखर स्थित राजकीय उर्दू बालिका मध्य विद्यालय में गुरुवार को आधुनिक शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था के निर्माण का शिलान्यास हुआ। टाटा ब्लू स्कूप की ओर से CSR के तहत कराई जा रही इस व्यवस्था का काम 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन की पहल पर टाटा ब्लू स्कूप स्टील द्वारा CSR के तहत हल्दी पोखर के राजकीय उर्दू बालिका मध्य विद्यालय में आधुनिक शौचालय एवं पेयजल के लिए प्योरीफायर युक्त वाटर कूलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। गुरुवार को स्कूल के प्रधान अध्यापक मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी एवं अन्य शिक्षकों के साथ ही गांव के मुखिया सैयद जमीउल्लाह शाहिद परवेज अब्दुल रहमान की उपस्थिति में शिलान्यास संपन्न हुआ। इस अवसर पर टाटा ब्लू स्कोप की ओर से शिखा अदिति शर्मा एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार, पूर्व शिक्षक निखिल मंडल व अनेक लोग शामिल रहे। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के अरिजीत सरकार ने बताया कि आगामी 3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी कराया जाएगा, जिसमें औषधीय पौधे भी शामिल रहेंगे। इनसे ये प्रयास चल रहा था टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड के द्वारा, उनके सहयोग से यहाँ पड़ी बालक एवं बालिकाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला यहाँ टॉयलेट और यहाँ ठंडा पानी का मशीन यानी वाटर कूलर विथ प्योरीफायर, ये सभी का आज यहाँ विधिवत शुभारंभ हुआ। यानी सोमवार से ही इसका जो है कार्य ये प्रगति पर रहेगा और 3 महीना के अंदर यहाँ बहुत सुंदर एक अत्याधुनिक शौचालय का निर्माण इस उर्दू विद्यालय हल्दी पोखर को मिलने जा रहा है। और लंबे अरसे से हम लोग ये चाह रहे थे कि गांव में जहाँ सही में ऐसा ज़रूरत है उस जगह तक पहुँचे। तो प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन हमारे आदरणीय श्रीमान निखिल मंडल जी के सहयोग से इस सुदूरवर्ती गांव तक पहुंच यहां इस तरह का कार्य करने का अवसर मिला। और उसके बाद जो है प्लांटेशन का भी प्रोग्राम इस स्कूल में रहेगा ताकि ये हरा भरा भी दिखे और पूरे समाज और देश में एक स्वच्छ वातावरण जो उर्दू विद्यालय को मिलने जा रहा है, ये हम लोगों का कोशिश हमेशा बना रहेगा। वहीं हल्दी पोखर पश्चिम पंचायत के मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने इसे टाटा ब्लू स्कोप की बहुत अच्छी पहल बताते हुए इसके लिए टाटा कंपनी एवं उसके पदाधिकारियों का आभार जताया। टाटा ब्लू स्कोप की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। टाटा ब्लू स्कोप के तरफ से जो CSR के तहत यहाँ पर शौचालय के लिए शौचालय का निर्माण हो रहा है और आपका सैनिटरी पैड का जो मशीन है वो वहाँ यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और एक जो है वाटर प्योरीफायर और वाटर कूलर को लगाया जा रहा है। तो ये साथ ही साथ प्लांटेशन का भी काम किया जा रहा है। तो मैं पूरे पंचायत के जनता की तरफ से टाटा ब्लू स्कोप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये धन्यवाद के पात्र। दिनभर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।